एक बार की बात है, एक गांव में एक आशु नाम का चित्रकार आकर रहने लगता है। आशु गांव वालों से ज्यादा बातचीत नहीं करता था और अपने आप में ही मगन रहता था। गांव वाले उसके इस व्यवहार से काफी हैरान थे। एक दिन दीनू और रवि बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरे दीनू, ये जो आशु चित्रकार है कुछ अजीब सा नहीं लगता? जब देखो अपने आप में ही व्यस्त रहता है और किसी से कोई बात भी नहीं करता। भैया कहते तो तुम सही हो, हमें भी ये आंसू जो है ना कुछ गड़बड़ आदमी लगता है, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ किसी दिन इसके घर के अंदर चलकर देखते हैं कि ये क्या करता है अकेले बैठकर दिन भर। फिर रवि और दीनू एक दिन जब आशु घर पर नहीं होता तब आशु के घर के अंदर चले जाते हैं। घर में उन्हें लड़कियों की सुंदर सुंदर पेंटिंग्स दिखती है। दीनू और रवि पेंटिंग देखते रह जाते हैं। रवि दीनू से बोलता है, अरे बाप रे, क्या पेंटिंग्स हैं दीनू भैया, ये सब लड़कियां तो एकदम असली की लग रही हैं। सही कह रहे हो रवि भैया, अगर ये लड़कियां असली होती तो मैं इनसे शादी कर लेता। रवि और दीनू को तभी एक चुड़ैल की पेंटिंग दिखती है। रवि और दीनू चुड़ैल की पेंटिंग देखकर घबरा जाते हैं। अरे रवि देखो भैया, इतनी डरावनी पेंटिंग है, एकदम असली की चुड़ैल लग रही है। जैसे ही दीनू ये बात बोलता है चुड़ैल पेंटिंग से बाहर आ जाती है और बोलती है, सही कह रहे हो तुम दोनों, मैं सचमुच में चुड़ैल ही हूँ। चुड़ैल को सामने देखकर रवि और दीनू दोनों घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी सामने से आशु आ रहा होता है। दोनों आशु से बोलते हैं, अरे आशु बचा लो हमें, तुम्हारे घर में असली की चुड़ैल है, वो हम सबको मार डालेगी, बचा लो। सही कह रहे हो दीनू, वो सचमुच में चुड़ैल है और वो सचमुच में तुम दोनों को मार डालेगी। आशु की बात सुनकर रवि और दीनू हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं, क्या मतलब? इसका मतलब है तुम उस चुड़ैल को जानते हो है? क्या वो तुम्हारे साथ है? तब तक चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है और बोलती है, मैं मालिक के साथ नहीं बल्कि उनकी गुलाम हूँ, और अब तुम दोनों की बकवास बहुत हुई, अब तुम दोनों को मरना ही होगा और फिर हम सब तुम्हारा मांस खाएंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल रवि और दीनू को मार डालती है। तभी सारी पेंटिंग वाली लड़कियाँ पेंटिंग से बाहर आ जाती हैं और रवि और दीनू का मांस खाने लगती हैं। कुछ देर बाद वहाँ सिर्फ रवि और दीनू का कंकाल रह जाता है। आशु हंसने लगता है। मजा आ गया, मेरे पाले हुए गुलामों ने एक और शिकार कर लिया। इसके बाद आशु उन दोनों के कंकालों को उठाता है और गांव के बाहर फेंक देता है। अगले दिन गांव वालों को दोनों का कंकाल दिखता है। एक गांव वाला जिसका नाम रामू होता है वो सरपंच जी के पास जाता है और बोलता है, सरपंच जी मैंने आज दो नर कंकाल गांव के बाहर देखे हैं। मुझे लगता है ये दोनों रवि और दीनू के ही हैं, क्योंकि वो दोनों लापता हैं। क्या बकवास कर रहे हो, दीनू और रवि? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चलो चल कर देखते हैं। फिर सरपंच जी कुछ गांव वालों को लेकर रामू के साथ जाते हैं। गांव वाले कंकालों को देखकर पहचान जाते हैं। कैलाश नाम का गांव वाला कंकालों को देखकर बोलता है, ये तो सचमुच में दीनू और रवि के कंकाल हैं। लेकिन इन दोनों को इस तरह किसने मारा होगा, इनके शरीर से तो इनका मांस ही निकाल डाला। फिर गांव वाले उन दोनों के कंकालों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कई दिनों तक गांव में कुछ नहीं होता। एक दिन आशु अपने घर से बाहर जा रहा होता है, तभी शन्नो और सविता की नज़र उस पर पड़ती है। शन्नो सविता से कहती है, अरे सविता,
देख तो सही कितना खूबसूरत लड़का है, ये बिल्कुल कामदेव लग रहा है। मेरा तो इसे देखकर मन कर रहा है कि मैं इसे शादी ही कर लूं। हाँ शन्नो, कह तो तू रही है बिल्कुल सही, ये जरूर किसी बाहर गांव से आया होगा। अपने गांव के लड़के देखे तूने, बिल्कुल छपरी लगते हैं, ना ही शक्ल और ना ही अकल। थोड़ी देर में आशु वापस आ जाता है। शन्नो आशु के पास जाती है और बोलती है, मेरा नाम शन्नो है जी, आपका नाम क्या है? मैंने आपको आते जाते देखा है, आप क्या करते हैं? अरे बस बस शन्नो जी, थोड़ा सांस तो ले लो, आप तो बस बंदूक की तरह प्रश्न दाग रही हैं। फिर आशु शन्नो और सविता को अपने बारे में बताता है, जिसे सुनकर शन्नो आशु से बोलती है, अच्छा तो आप चित्रकार हैं, हम दोनों को भी अपनी पेंटिंग दिखाओ ना, हम भी देखना चाहते हैं। फिर शन्नो और सविता के कहने पर आशु उन दोनों को अपने घर के अंदर लेकर चला जाता है। चारों तरफ पेंटिंग्स रखी होती है। पेंटिंग्स देखकर शन्नो और सविता बोलती हैं, अरे वाह, आप तो बिल्कुल जादूगर हो, आपकी बनाई हुई पेंटिंग तो बिल्कुल असली लग रही है जी, लग रहा है ये पेंटिंग अभी बोल उठेगी। तभी शन्नो आशु से अपनी पेंटिंग बनाने को बोलती है। आशु जी, आप तो बहुत ही गजब के चित्रकार हो, आप मेरी भी पेंटिंग बनाओ ना। पहले तो आशु शन्नो को मना कर देता है, लेकिन फिर उसकी जिद के आगे मान जाता है और शन्नो को अगले दिन आने के लिए बोल देता है। तभी सविता की नज़र दो पेंटिंग्स पर पड़ती हैं। वो दोनों पेंटिंग रवि और दीनू की होती है। फिर सविता और शन्नो वहाँ से जाने लगती हैं। शन्नो बहुत खुश होती है, वो सविता से बोलती है, वाह सविता देखना, आशु ने मेरी पेंटिंग बनाने के लिए हाँ कर दी है, मजा आ जाएगा। अरे शन्नो ज्यादा खुश मत हो, ये आशु मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तूने देखा नहीं वहाँ दीनू और रवि भैया की पेंटिंग बनी हुई थी। सविता की बात पर शन्नो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तो भी ना सविता कुछ भी बोलती है, अरे तुझे धोखा हुआ होगा, मैं भी वहाँ थी, मैंने तो ऐसी कोई पेंटिंग नहीं देखी, इसीलिए तू चिढ़ रही है। है ना? इसमें भला चिढ़ने की क्या बात है, मैं तो तेरे भले के लिए बोल रही हूँ, बाकी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर सविता वहाँ से चली जाती है। शाम को शन्नो बन ठन कर आशु के घर पहुँचती है और आशु के दरवाजे को खटखटाने लगती है। आशु आता है और दरवाजे को खोलता है। अरे वाह शन्नो, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारी पेंटिंग तो बहुत ही अच्छी बनेगी। फिर शन्नो आशु के साथ उसके पेंटिंग वाले कमरे की तरफ चलने लगती है। तभी शन्नो की नज़र भी रवि और दीनू की पेंटिंग पर पड़ती है और वो मन ही मन सोचती है, अरे ये तो सचमुच में रवि और दीनू की ही पेंटिंग है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, यहाँ से जा भी तो नहीं सकती। शन्नो को डरता देख आशु हंसने लगता है और बोलता है, क्या हुआ, डर रही हो क्या शन्नो? अरे डरो मत, वो दोनों चित्र रवि और दीनू के ही हैं। उन्होंने ही कुछ दिनों पहले यहाँ मुझसे बनवाए थे, कह रहे थे बाद में आकर ले जाएंगे, लेकिन अब तक नहीं आए। आशु की बात सुनकर शन्नो आशु को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर आशु बोलता है, ओ बहुत बुरा हुआ दोनों के साथ, चलो क्या कर सकते हैं, चलो तुम वहाँ जाकर कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाता हूँ। शन्नो आशु के कहने के अनुसार एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और आशु उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। कुछ देर बाद शन्नो को प्यास लगती है और वो आशु से बोलती है, आशु मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। आशु किचन की तरफ इशारा कर देता है और अपने काम में लग जाता है और शन्नो किचन की तरफ चली जाती है। उधर शन्नो के जाते ही पेंटिंग में से चुड़ैल बाहर आ जाती है और बोलती है, मालिक आज तो मजा ही आ जाएगा, इस लड़की का मांस खाने को मिलेगा। आशु हंसते हुए चुड़ैल से कहता है, सही कह रही है चुड़ैल, लेकिन जरा सब्र कर, कहीं उसे पता चल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। शन्नू किचन में पानी पीकर आते समय चुड़ैल और आशु की बातें सुन लेती है और बोलती है, अरे ये आशु तो शैतान है और इस चुड़ैल को इसने अपने बस में कर रखा है, अब क्या होगा, ये तो मुझे मार डालेगा, मैं क्या करूं, कैसे बचूं। तभी शन्नू के सामने रवि और दीनू की आत्मा आ जाती है और बोलती है, शन्नू बहन तुम यहाँ से भाग जाओ,
और इस शैतान की झोपड़ी में आग लगा दो। जैसे ही आग इसके चित्रों में लगेगी और वो जलेंगे, वैसे ही ये और चुड़ैल भी जलने लगेंगे। शनु वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तब तक आशु और चुड़ैल उसे घेर लेते हैं। कहाँ भाग रही हो शनु? तुम कहीं नहीं भाग पाओगी। आज तुम्हें मेरा और मेरे शैतानों का खाना बनना होगा, नहीं तो हम सब लोग भूखे रह जाएंगे। ऐसा कहकर आशु और चुड़ैल शनु की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी आशु का घर जलने लगता है और सविता की आवाज शनु को सुनाई देती है। शनु, तुम जल्दी से इस घर से बाहर आ जाओ, हम गांव वालों ने इस घर में आग लगा दी है। आशु अपने चित्रकारी वाले कमरे की तरफ पेंटिंग को बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसी कमरे में जलने लगता है। चुड़ैल भी जलने लगती है। शनु आशु के घर से बाहर आ जाती है और सविता से लिपट कर रोने लगती है। तू मेरी सच्ची दोस्त है, अगर तू नहीं होती तो ये शैतान मुझे मार ही डालता और अपनी पेंटिंग में कैद कर देता, जैसे इन्होंने रवि और दीनू भैया को किया था। चुप हो जाओ, सब ठीक हो गया है। मुझे तो पहले ही शक हो गया था, इसीलिए मैं चुपके से गांव वालों को लेकर यहाँ आ गई थी, और कल रात दीनू और रवि भैया की आत्मा ने मुझे सब बता दिया था।